चलते। दिलीप दादा इसी में कटबीर जोड़ रहा हूँ, चाहे तू बता में। चाहे तू बता चाहे ना बता, अरे दीवाना रे 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 दीवाना ढूंढ लेगा तेरा ना। सीता का हरण हो गया, भगवान राम और लक्ष्मण बन बन भटक रहे हैं। ये हे खग मृग हे मधुकर सेनी देखी सीता मृग लेनी, बस बच्चियों से पेड़ों से तालाबों से सभी से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीते को देखा है, आपने मेरी सीते को देखा है। और कैसे सुनिए पंक्ति अच्छी लगी दादा, दादा पंक्ति अच्छी लगेगी सुनिएगा कैसे। भगवान राम ने आए लता तू बता रे रे उद्घोषक महोदय छोटे भाई सुने का ध्यान से, ऐ लता तू बता ऐ लता तू बता मुझके तो ते पता वाला घर वाला रे। रिंकी जी घर वाला ढूंढता है घर वाली का पता, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बताऊंगा कहाँ चली गई, क्या तुमको मालूम है? ला बता। आदरणीय हमारे दिलीप शर्मा जी आपकी ओर से क्या उठ पाए पक्षियों पर। आए लता तू बता मुझको दे तू पता घर वाला घर वाला पूछता है घर वाला। ऑनलाइन हमारे भाई राज सिंह जो मुंबई से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनके माध्यम से हम छोटे कलाकार इस मंच तक आए, उनकी ओर से हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर के 501 मेरे लिए इनाम उन्होंने वहीं से ऑनलाइन गूगल पे पे किया है। मैं आदरणीय राज भैया को हृदय से नमन करता हूँ, आप को नमन करता हूँ, आपके माता पिता को नमन करता हूँ जिन्होंने इतने सुंदर संस्कार आपको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है विद्वान जनमानस को, धन्यवाद है आदरणीय हमारे शर्मा जी को,
को और आदरणीय हमारे राज भैया के पिताजी को, पिताजी के जो परिवार के जितने भी लोग हैं सभी को देवी स्वरूपा माताओं बहनों को मैं सभी को नमन करता हूँ। आइए सुंदर सा अपना चक्र लेकर के पुनः पुनः रिंकी तिवारी जी उपस्थित हो रही हैं, उसके बाद मैं पुनः आपकी सेवा करूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बजा बजाते हो, कोई जोर नहीं बेटा। बहुत सुंदर अभी आप लोगों ने कार्यक्रम सुना है, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर सी बातें आप लोगों ने कीर्तन मंच के द्वारा सुनी है। परवाना जी संस्कारें भी बहुत हैं, संस्कार तो इतने भरे हैं कि मुझको लग रहा है टेंट से चू रहे हैं इनके संस्कार ही। और बोलने में पीछे नहीं है, कितना पढ़ी हो तुम्हारी जैसी न जाने कितनी रिंकी तिवारी बना दी। धन्य है आप, धन्य है आपके मंडल वाले, शुरुआत आपने की। नीचे से कह रहे हैं हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, खुद कह रहे हैं उनके मंडल से तीन तीन लेखक लिख रहे हैं। परवाना जी मैंने ये बात नहीं कही थी, पहले आप मेरी तरफ उंगली एक उठा रहे हैं, इशारे और उंगलियां आपकी तरफ भी करती हैं। भैया शुरुआत आपने की है, और क्या? अगर चिकोटी काटोगे तो फिर मुंह नोचा जाएगा। शुरुआत करेंगे तो फिर सुनने की भी क्षमता रखिए। नीचे वालों को समझाएं, क्या जरूरत थी बिल्ली कुत्ते की बात करने की, क्या जरूरत थी दायित्वों के विषय में बात करने की। आप स्वयं पहले अपने मंडल को देखें, हमारे मंडल की जो बीमारी है उसको रहने दें। हम आपके पास नहीं आते कि आप किसको खत्म कर दें। दृष्टि दोष आपके यहाँ था, नीचे से कह रहे हैं ये बिल्ली है फलाना दिमागा। चलिए चलिए बेटा कोई बात नहीं, अच्छा है, ईश्वर करे दिन दुगने ऐसे ही आप नाम रोशन करें, ऐसे ही बहुत सारी रिंकी तिवारी आप पैदा करें, लेकिन आप हम तक मत पहुंचे। आप हमारे गुरु के विषय में जानते नहीं है, तुम्हारे जैसे 365 परवाना जी बना के छोड़ दिए, किस चक्कर में घूम रहे हैं आप परवाना जी। रिंकी तिवारी के मुंह मत लगी है आप, छिद्दो डॉक्टर भी उनके चेले हैं। जैसे कलाकार वैसे डॉक्टर। चलिए अच्छा है, आप महान, आपका मंडल महान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बूंद बूंद के हिसाब से बेटा टपक रहा है। बातें तो बहुत की हैं आपने, संस्कार हमारे ऐसे नहीं है, जहाँ तक आपकी सोच जा रही है वहाँ तक ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप कहाँ तक जा रहे हैं ये आप सोचें। एक दो रिंकी तिवारी हमें भी YouTube में दिखा दीजिए, कीर्तन नगर में तो हमें रिंकी तिवारी दिख रहे हैं और कहीं नहीं। घर में भले तैयार कर दी हो, परिवार में भले तैयार कर दी हो, बहनों के नाम हो गए हो, लेकिन कीर्तन जगत में एक ही रिंकी तिवारी अभी है। अगर प्रमाण है चाहिए तो KS स्टूडियो आपके सामने है, सर्च मारे। क्यों संजय भैया, क्या दूसरी रिंकी तिवारी है? परवाना जी तो हवा में उड़ाते हैं। हो सकता है इनकी कोई बहन नहीं तैयार हो गई हो, वो अलग की बात है, क्योंकि जो अपनी पत्नी को नहीं रख पा रहा घर में तो वो दूसरे को क्या रखेगा। पूरा मंडल ग्रसित है इस बीमारी से। राइटर को बहुत ठंडी लग रही है, क्या कहें भैया, कह रहे हैं ये होता है गाना बजाना। चलिए धन्यवाद है, आप हमारे यहाँ भले ना आए सीखने, लेकिन मैं आपके घर में जरूर आऊंगी सीखने, क्योंकि मुझको आगे बढ़ना है। कुछ मिलेगा बेटा, कुछ मिलेगा भैया, मुझको आगे बढ़ना है, और जिसको आगे बढ़ना होता है उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बिल्कुल अच्छा है, आप 365 रिंकी तिवारी बनाए, लेकिन हमको हमें को रहने दीजिए। आप ऐसी रिंकी तिवारी बनाकर दिखा दे तब जाने। जैसी ये है वही जाना माना नाम चाची पर की क्वालिटी। भैया हमारे खानपुर से आए काका देव, काका हमका खाली रुपया दे तुम, बाकी सब उधर दे। हमारे दादा की ओर से ये 501 रुपए आए हैं। मंच से झूठ बुलवाते हो, गंदी बात है ये। हम नहीं जाने काका देव। बहुत
बहुत सुंदर सी तरज आई है। समय मैं बचा रही हूँ, अनर्गल बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, बढ़िया बात है, कहने दे बेटा उनको, क्योंकि हर बात राज नहीं होती, हर चिड़िया भी बाज नहीं होती। अरे ऊपर वाले के कहर से थोड़ा सा तो डरो, क्योंकि परवाना जी उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। कीर्तन के मंच से आप किन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान जाने आगे कीर्तन क्या करेगा। कह रहे थे आप जैसी कीर्तनकारक कीर्तन को खराब कर रही हैं। ये तो आप जानते हैं, आपका मंडल जानता है कीर्तन को हम खराब कर रहे हैं कि बना रहे हैं। प्रोग्रेस ठीक है, रामा ही राखे तर जाई है, बहुत सुंदर सी प्रयास कर रही है। अरे चाहे तू बता, पूछ लेगा ढूंढ लेगा पूछ लेगा तेरा ना ढूंढ लेगा तेरा ना पता। मुन्नू भैया क्या खाते हो तुम लोग? कुछ तो खाते हैं हम लोग, केवल चाय पीते हैं। बहुत बढ़िया सी बात आपने बताई है। हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, भगवान राम पशु पक्षियों से तालाबों से पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरी सीते को देखा है? तो घर वाला पूछता है घरवाली का पता। बढ़िया बात, बढ़िया। आइए बस इसी प्रसंग को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। बिल्कुल, भगवान राम ढूंढ रहे हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाए हैं। ढूंढा किसने? बजरंगबली ने। भैया अब देखिए, यही समय जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ। आप बड़े कलाकार हैं, क्योंकि आप जब रिंकी तिवारी 365 पैदा कर सकते हैं तो हम आपको जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, शाबाश। आइए, केवल प्रयास है कि शायद रवाना जी आपको जवाब अच्छा लगे। सुनिए। अरे ना जिनका था पता, ना जिसका था पता ना पाया अता पता, तो यहाँ पर बाहर वाला ना पति ना देवर, बाहर वाला दे रहा है घर वाली का पता। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। ऐसे लाओ रमेश भैया, दद्दा बैठ जाइए, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि वो आज नहीं ये लाइफ टाइम के लिए मोबाइल में पड़ेगा। जैसा आप यहाँ पर करेंगे वो सारी दुनिया देखेगी, इसलिए निवेदन है इधर बैठ जाएं।
भैया बाहर वाला दे रहा है घर वाली का पता। दे रहा है दे रहा है बाहर वाला बाहर वाला बाहर वाला दे रहा है घर वाली का।